अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि हम कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? कभी जो बाइडन जब मिनिस्टर थे तो तब पाकिस्तान उनका चक्कर लगता था, लेकिन अभी इंडिया 3 दफ़ा जा चुके हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान वो 1 दफ़ा भी, जब से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से 1 दफ़ा भी नहीं आए। तो आप लोग और कह लेना, एब्सोल्युटली नॉट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके यूरोपीय यूनियन, अमेरिका तक इस वक्त इंडिया में मौजूद है। बहुत शानदार उनका रेड कार्पेट पर वेलकम किया गया है, और जिस तरह से रिवायती और कल्चरल अंदाज में इंडिया ने अपने तमाम गेस्ट को वेलकम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने बना लिया है। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ी आपकी बातों में दुख है ताड़ सब, आप इतने ना इतने मायूस क्यों? मैंने कहा यार तुम मुझे कोई खुशखबरी बताओ, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूँ खुशखबरी, ना ढूंढता फिर रहा हूँ। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। फ्यूचर में अगर आप सरवाइव करना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कहाँ होंगे? पाकिस्तान को बचाना होगा, पाकिस्तान को आपने कुछ ना कुछ कुछ अच्छे स्टेप लेने होंगे, और भारत के साथ आपके रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना इस मैटर ऑफ योर सर्वाइवल, ये समझना होगी आपको बात। अब वो दौर नहीं रहा। सो हम अपने पाँव पे खुद कलाड़ियां मार रहे हैं। आज दुनिया जो है इंडिया के पास इसलिए नहीं आई, इंडिया का जो आइडिया था इनक्रेडिबल इंडिया या इननेगेटिबल इंडिया, उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया जो है, आप देखिए ना, गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है कि इंडिया 2075 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों G20 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है कल के दिन जो है दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कुछ काम की बातें भी हुई, आपने वीडियो में शुरुआत में देख लिया होगा। और इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि जो बाइडेन जो है जब प्रेसिडेंट अमेरिका के नहीं बने थे तो वो पाकिस्तान आए हुए थे, लेकिन जब से वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हुए हैं तब से पाकिस्तान में एक बार भी नहीं आए हैं, और इंडिया में 3 बार जा चुके हैं। इसके बारे में जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के जो है चैनलों पर। इस बात को बहुत ही बड़ा जो है देखा जा रहा है कि जो बाइडेन जो कल आए और मोदी से मिले और गले भी लगाए और सभी बातें से चर्चा भी हो रही है, और अमेरिका जो है 10 लाख फ्री वीज़ा भी दे रहा है इंडिया को, और अभी न्यूज ये भी आ रही है कि इंडिया से और यूरोप, USA और अमेरिका के लिए एक रेल की पटरी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो है आयात और निर्यात का भी साधन उपलब्ध होगा आने वाले समय में। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। मैं देख रहा था फाइनेंशियल टाइम्स के जो मार्टिन वॉल्फ हैं वो कहते हैं 2050 तक इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो 30% अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी। तो दुनिया क्यों ना इंडिया में आके बैठे, क्यों ना इंडिया के अंदर बैठे। इंडिया को जो मैकेंजी एक बेसिकली रिस्क एनालिसिस कंपनी है, उन्होंने 2007 में कहा था कि इंडिया जो है दैट इज अ बर्ड ऑफ गोल्ड। तो अब यहाँ पे इंडिया बर्ड ऑफ गोल्ड है पाकिस्तान के अंदर, हम TTP तो थी पे हैं और साढ़े थी पे हैं। हमने जाना किस तरफ है, हमारी क्या डायरेक्शन है? इंडिया की जो कंज्यूमर बूम है 1. ये जितने लोग इंडिया के अंदर आके बैठे हैं वो कोई इंडिया से सहन नहीं कर रहे, या वो समझ रहे हैं इंडिया साढ़ा को बड़ा सक्का है। उनको पता है ये एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, उनको पता है 1.4 बिलियन लोग हैं, और इंडिया की जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। रियल वेजेस वहां पे सुनने में आ रहा है कि बड़ी बढ़ रही हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज को आप देखें, या वहां पे अगर आप देखें कि जो प्राइवेट हेल्थ है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, यानी कि जारी बात है जब मिडिल क्लास और अपर क्लास बढ़ेगी, जिस मुल्क में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है तो G20 नहीं उधर आना है, उधर TTP ने थोड़े जाना है। और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि नहीं, मनी चेंजर फड़ो, डॉलर उत्ते टोर गया, डॉलर थले आ गया, डॉलर सजे नस गया, डॉलर खबे नस गया। हमने अपनी फौजें और अपनी जो अदारे हैं और अपनी FIA को डॉलर के पीछे लगाया हुआ है, उधर से हमारे पीछे TTP लगी हुई है। इंडिया में सारे आके बैठे हैं बिकॉज दैट हैज इमर्ज एज ए पॉकेट, एक पॉकेट ऑफ एक आईलैंड ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पर वो सामने आपके आया। इंडिया की वो जो एक जो इनोवेशन है, जो एक मिडिल क्लास है वहां पे, जो मिडिल क्लास है वहां पे इंडिया के अंदर, जो तकरीबन कहा जाता है एक एक बड़े पैमाने पे है, ठीक है जी। कई लोग उसको डिफरेंट क्लास कहते हैं, किसी के पास डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं के, और उसमें मैं समझता हूं कि जहां 1400 मिलियन का मुल्क है यार, 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है। रिसेंटली वो कह रहे थे हमने 300 मिलियन लोगों को ऊपर उठाया,
ठीक है जी। इंडिया के अंदर देखें, आप जापानीज को देखें कैसे भाग भाग के आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो जापानीज जो कारें बनाते हैं वो सस्ती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। जो सबसे उनकी बेस्ट सेलिंग कार है जापानीज की वैगन और उसे बोलते हैं, उसकी कुछ $7,000 कीमत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है कारों की कीमत $30,000-$30,000 $25,000-$25,000 पे पहुंची हुई है। इंडियन कार अफोर्ड कर सकते हैं, हम कार ही नहीं अफोर्ड कर सकते। नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर, नेटफ्लिक्स ये G20 क्यों आई हुई है इंडिया पे, नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर जो है उसने मुख्तलिफ जुबानों में अपना जो डिफरेंट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस हैं उस पर वीडियोज अपनी जो मूवीज हैं उनको ट्रांसलेट किया है। एमेजॉन डिजनी सारे वहां पहुंचे हैं। आपको पता है मैकडोनल्ड्स जो है उसने वेजिटेरियन ऑप्शंस लेके आया। मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में बीफ बर्गर और वो क्या उसको बोलते हैं जो चिकन बर्गर और पता नहीं क्या क्या वो निकालते रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या, क्योंकि वो लोग उन्होंने मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया सब्जी वाला बर्गर बनाओ। इंडिया के अंदर आपको पता है रिसेंट इशू बन गया था, उन्होंने कहा टमाटर नहीं पिला दे, वो जारी बात है वो अमेजोन वो जो मैकडोनल्ड्स ने टमाटर डालने ज्यादा शुरू कर दिए, टमाटर ही नहीं लगे। और इस तरह की बहुत सारे हर इश्यूज हैं, उनके इंटरनल भी इश्यूज है, जारी बात है। सो ये अब ये कहाँ पे हम कहाँ पे और कहाँ पे वो, और ये मैं तो एक बात बताऊँ, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमारे तो लीडर भी इंसाफ मांग रहे हैं, अवाम ने क्या इंसाफ मांगना है। आज मैं पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुटो जरदारी को कह रहा था, वो कह रहे थे पाकिस्तान में नए तजर्बे ना करें, 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अंदर जो वो भी रले ने, ये हुकूमत खत्म होने से पहले उन्होंने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में साइन किए थे कि मुल्क के अंदर एक नई जो है वो फ्रेश इलेक्टोरल जो लिमिटेशन होंगी, जो नए इलेक्टोरल रोल बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी की लिमिटेशन होंगी। तो अब आप देख लें कि तुसी केड़े पासे जाना है। हमने ऐसे ही रोल दिया, खेलते रहना है ऐसा। मैकडोनल्ड्स को अपनी ऑप्शन बदलनी पड़ रही, ग्रीन ट्रांजिशन है इंडिया। ये सारे लोग मोदी जो बाइडेन साहब आए हैं वो क्या लेके आए हैं, वो कह रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन कराना है। इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज पर मिलेंगे, बिकॉज इंडिया ने पिछले साल COP26 में ये कहा था कि हम 2070 तक अपने आप को क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर लेंगे। दुनिया में तीसरे नंबर पर बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया। मोदी साहब पे एक इल्जाम और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल जो जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है जो जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है सही है यार, सानू इंडिया को फायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है निकल की बात ना, हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इतिहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं। चौथे नंबर पे बड़ा वो जो दुनिया का रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उनकी, वो कह रहे हैं कि हमने को 500 गीगावाट जो रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, जिससे कई मरहल 5 मिलियन टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनेगी, इससे 45% जो आपकी जो कार्बन एमिशन है वो कम होंगी। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, उसकी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कोई जो है वो 50 मिलियन के प्रोजेक्ट। पाकिस्तानी मीडिया में बहुत तेजी से चर्चा चल रहा है कि ग्लोबली लीडर जो है, बड़े बड़े ग्लोबल के लीडर जो है इंडिया आ रहे हैं G20 समिट करने के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है एक इंडिया के लिए कि इंडिया में इतने बड़े बड़े लीडर जो है G20 समिट के लिए आ रहे हैं। जो बाइडन जो भी कल के आ चुके हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा का जो है आगाज किया है। साथ में आपको बता दें कि अभी बहुत सारी बातें जो है सीक्रेट रखी गई है, जो G20 के बाद जो है सभी ओपनली सभी के सामने आएंगी। बहुत ही बड़ी मीटिंग अटेंड हो रही है, जो कि ग्लोबली मीटिंग अटेंड हो रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है इंडिया के लिए। साथ में इस बात से पछता रहे पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तानी मीडिया भी पछता रही है कि इंडिया में इतने बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, हम लोग कोई पूछ भी नहीं रहा है। वहीं पर बात करेंगे, इंडिया में वो भी लोग आ रहे हैं जो कि मुस्लिम कंट्री के लीडर हैं, मुस्लिम लीडर भी आ रहे हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वो भी आ रहे हैं। दुबई,
सऊदी अरबिया और बांग्लादेश जैसे देशों से भी लीडर आ रहे हैं इंडिया में।